हेलो दोस्तों, मिस्ताउ साउथ चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे HDFC बैंक के बारे में। HDFC शेयर जो अभी प्राइस चल रहा है 1564 के प्राइस चल रहा है, आज का जो हाई बनाया था आप देख पा रहे हैं, एकदम शानदार हाई 1700 के आसपास में हाई बनाया था। अभी क्लोजिंग दिया है 1654, मैंने एक दिन में 150 पॉइंट उठना यानी इसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और 10% से ज़्यादा मूवमेंट हुआ है आज एक दिन में। तो आने वाला समय में ये क्या मूवमेंट रहेगा और क्या परफॉर्मेंस रहेगा, इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो में। तो ये रहा HDFC बैंक, जो बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है HDFC बैंक, जिसका प्राइस भी और वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। तो इसका हम जो कैंडल देखेंगे, ग्रीन कैंडल, अभी 1654 चल रहा है। तो 1654 के आसपास में हम देख पा रहे हैं कि ये क्लोजिंग दिया है। तो क्लोजिंग प्राइस में लेके जो प्रीवियस क्लोज था वो 1500 के पास, 1500 के आसपास क्लोज था प्रीवियस, और अभी का जो प्राइस चला है 1654, तो प्रीवियस क्लोज से अभी का प्राइस से 150 पॉइंट ऊपर, यानी आज एक दिन में 200 पॉइंट ऊपर गया है। तो इसका मतलब है आने वाला समय में ये और क्या मूवमेंट रहेगा, उसका पहले स्टडी करने से पहले उसका मंथली चेक करना पड़ता है, मंथली कैंडल। तो चलते हैं मंथली में चलते हैं। अभी जो देख पा रहे हैं ये मंथली कैंडल है, मंथली कैंडल में हम जूम करके देखेंगे तो 2020 में जो गिरावट हुआ था उसके बाद जो बढ़ के आया है, डबल हो चुका है 750 से लेके 1500 तक। अभी 1654 यानी ये ब्रेकआउट दिया है, जो आप जूम करके देखेंगे पीछे का जो गिरावट हुआ है पीछे का कैंडल से ऊपर से, अभी ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट यानी 1750 का अभी रेजिस्टेंस लेवल है, मेन रेजिस्टेंस लेवल 1700 से 1750 के बीच में है। तो इस समय आप होल्डिंग मत करिए, अगर कोई होल्डिंग करके रखा है तो आप वहाँ से टारगेट बना सकते हैं 1700 को, फिर अगेन टारगेट को दूसरा दिन अगर 1700 ब्रेकआउट करता है तो कम से कम ये आने वाला समय में ये फिर 2000 टारगेट तक हम देखने को मिलेगा। HDFC बैंक का शेयर भी बहुत बढ़िया शेयर है, कोई दिक्कत नहीं, इसको होल्डिंग करके रख सकते हैं लॉन्ग टर्म व्यू के लिए। अगर शॉर्ट टर्म के लिए खेलते हैं तो आपको ध्यान देना है 1600 आपका रहेगा सपोर्ट और स्टॉप लॉस लेवल, और आगे का जो टारगेट रहेगा वो 1700, मैंने 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे, यही टारगेट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। और लॉन्ग टर्म व्यू के लिए देखा जाए तो 2000 पॉइंट टारगेट आप लगा के रख सकते हैं, और आने वाला समय में ये 2000 भी टारगेट अचीव हुए देखने को मिलेगा। ये HDFC बैंक का शेयर है, HDFC बैंक बहुत बड़ा बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा शेयर है। उसका मंथली कैंडल देखा जाए तो बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी दिखाई दे रहा है, आप दूर से भी देख सकते हैं। देखो कहीं नीचे से ले कर ऊपर तक कितने बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, जिस चार्ट में आपको अप ट्रेंड लेवल के चार्ट दिखाई देते हैं उस चार्ट में आप आने वाला समय में अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो यही चार्ट का मतलब है, जिस चार्ट में नीचे से लेके ऊपर तक ऐसी परफॉर्मेंस कर रहा है, ये 2004 का चार्ट है, 2004 से लेके अभी तक देख पा रहे हैं कैसे मूवमेंट किया है ऊपर की तरफ। तो इसी तरह आने वाला समय में भी ऐसे ही ऊपर की तरफ मूवमेंट करता रहेगा, बीच बीच में गिरावट आते रहता है, हर स्टॉक में भी गिरावट आता है, सेक्टर में आता है, मार्केट में आता है। तो आपको घबराने कोई ज़रूरत नहीं, आपको कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे वोल्टेज शेयर में इन्वेस्ट करिए, और आने वाला समय में आपको कम से कम प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये रहा HDFC बैंक, आप इसको होल्ड करके रखिए लॉन्ग टर्म व्यू के लिए, और 2000 टारगेट आराम से अचीव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर करके सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।